चंडू पोखर और दिखाते हैं वहाँ का क्या क्या चीज़ रहेगा, क्या क्या एडवेंचर रहेगा, हर चीज़ दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक तो कर दो यार, कम से कम 100 लाइक कर दो। और अगर इस चैनल पे नए हो ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के ना। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे नीरज भाई भैया। तो हम लोग पांडव पोखर फाइनली पहुंच चुके हैं और हमने अपना बैग इधर पार्क कर दिया है और अभी हम लोग जाएंगे उधर से टिकट कटाएंगे, उसके बाद अंदर एंट्री होगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, दिखाते हैं क्या क्या होगा। तो चलिए टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो कि पैकेज है और क्या रेट है, रेट चार्ज भी दिखा देते हैं। और ये देखिए पूरा पांडव पोखर का बना हुआ है। चलिए अभी सबसे पहले आपको दिखाते हैं पांडव पोखर का जो रेट चार्ज है वो दिखा देते हैं और फिर पैकेज क्या क्या है वो सब चीज़ दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप पैकेज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फन एक्टिविटीज़ है जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेल्फ पॉइंट, चिल्ड्रेन प्ले जोन है, क्रिकेट है, हॉर्स रीडिंग है, बहुत सारे यहाँ पे है फन प्ले। ये देखिए स्पेशल वाला है, यहाँ भी दिखाते हैं आपको पैकेज में। देखिए यहाँ पैकेज वाला है, गोल्डन बैंड है, एंट्री प्लस फन एक्टिविटीज़ प्लस स्पेशल एक्टिविटीज़ लंच प्लस फाइव टी। दूसरा पैकेज ये गीगा पैकेज और नानो पैकेज में मैक्रो है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखिए रेड चार्ज है, सबका रेड चार्ज है, गोल्डन बैंड आता है, सिल्वर बैंड आता है, येलो बैंड आता है, ग्रीन बैंड आता है, वाइट बैंड। और इसके बाद ये जो फूड चार्ज है ये सब देख लीजिए, सब लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग भी, तो अब हम लोग टिकट कटा रहे हैं जो कि येलो बैंड है। और यहाँ पे टिकट काउंटर है आपके जो कि नीरज भाई कटा रहे हैं और यहाँ से हम लोग कुछ ही देर में एंट्री लेने वाले हैं। तो जल्दी सब बने रहो यार। ये देखो अभी येलो बैंड आने वाला है, येलो बैंड ले लिया है और यहाँ पे बैंड का कार्यक्रम हो रहा है बैंड का। और उसके बाद अंदर जाएंगे हम लोग। चलिए मेरा हो गया, अब नीरज भाई करा रहे हैं अपना। उसके बाद अभी चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद फन एक्टिविटीज करेंगे, जो जो करेंगे आपको बताएंगे। तो चलिए भाई साहब हो गई अपनी एंट्री और यहाँ पे हो गया। ओ भाई साहब झूलने वाला जगह, ओ क्या मजा आ रहा है। तो चलिए अभी अंदर आ गए हैं और हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। तो आपको दिखाते हैं यार, बैक कैमरे से व्यू बहुत ही खतरनाक एकदम गजब वाला है। तो आ चुका है यहाँ पे सेफ्टी बेल्ट और उसके बाद सेफ्टी हेलमेट भी पहनना होगा। तो हो चुका है ये हमारे कंप्लीट, सेफ्टी बेल्ट है और उसके बाद सेफ्टी हेलमेट ले लिया है, यह ब्लू कलर का बहुत ज्यादा बड़ा है। ये ब्लैक कलर का भी अच्छा लग रहा है, तो ब्लैक कलर ले लिया हम लोग ने। तो हो चुके हैं हम लोग तैयार सेफ्टी बेल्ट पहन के, अपन लोग जाएंगे, हम हैं नीरज भाई हैं और बाकी दोस्त लोग भी हैं। ये तो और खतरनाक, अबे ये कहाँ से हो ये तो। ये देखो यार,
ये कतई चार भाई, ये कुछ खास नहीं है, इतना मजा नहीं है, इतना डर नहीं है, इतना मोहाली में बहुत मजा और डर था भाई। और ये आ गए हम लोग, डर वाला जगह है बे। ओ भाई साहब पहुंच गए हैं। अब सबसे टफ, अब तो सबसे टफ वाला होने वाला है भाई लोग। ये देखिए कितना टफ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और ये आखिरी पड़ाव है। देखिए भैया ये जो कि रस्सी से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक वाला नजारा है। आपने कीजिएगा वो दोनों को खर, और ये देखिए रस्सी और मेरी बारी भी आ रही है, तो चलिए बने रहिए। दो है तो वहाँ पर जाएगा, तो लाइन में जाएगा। लीजिए इस पर लगा दीजिए, लीजिए नीचे हो जाइए। मोटा रस्सी ये वाला वहाँ पर, ये देखो नजारा भाई कितना जा रहा है, लग रहा है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते। यार मोबाइल ना होता ना तब लोग कतई चल चुके होते अब तक के। ऐसे ये देखो भाई हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, एकदम कपाई के जा रहे हैं। हम तो नीरज बाबू देखा, अगर मोबाइल मेरा नहीं रहता ना तो तुमसे मतलब बहुत पहले हम जा पहुंच चुके होते कि ना। हमें तो हम एक ही हाथ से चल रही है, हमें ट्रैपोड ही पकड़ना है। जो हैंगिंग बेल्ट तो चलिए चलिए थोड़ा दूर और है पड़ाव पार करने के लिए, इसके बाद अपन लोग दूसरा जगह जाएंगे देखेंगे। तो भैया ने आखिरी पड़ाव पार कर लिया। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड एक्टिविटीज करने के लिए, जो कि बहुत ही मजेदार यहाँ यार फन एक्टिविटीज बहुत ही गजब गजब है दोस्त। हम लोग के दोस्त है जो कि क्या नाम है आपका? जिशान खान। ये देखिए जिशान खान है और ये आपका भाई मोहम्मद सैफ खान, मोहम्मद सैफ खान है जो कि हमारे सिलाव दोस्त है। ये तो अपना नीरज भाई को तो जान ही रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, आपका तहे दिल से हम लोग शुक्र गुजार हैं। तो हमारे और जितने भी आप लोग के दोस्त हैं थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं अभी जो कि एरिया है यहाँ पे फोटोशूट के लिए, अच्छा एरिया है जो कि पांडो पोखर के बहुत ही अंदर है। और ये भाई साहब देखो पता ही खतरनाक वाला देखो नज़ारा हम दिखाते हैं क्या भाई साहब, देखो देख रहे हो। तो चलिए आपको अब लेके जाते हैं फोटोशूट के लिए, सबसे बेस्ट एरिया यहाँ पे है पांडु पोखर का, सबसे बेस्ट एरिया यार। मतलब यहाँ पे फोटो शूट करिएगा तो बहुत ही गजब लगेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे फोटो शूट के लिए बहुत ही अच्छा एरिया यहाँ। और यहाँ पे जो है कि बोट रेसिंग होते रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए वहाँ उधर भी एक दिल टाइप का बना हुआ है, दिल बना हुआ है दिल के आकार का, वहाँ पे भी फोटो शूट अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी यहाँ देखिए ये बहुत ही लंबी इमारत मूर्ति है यार, ये देखो देख रहे हैं ना, ये देखो कतई जहर। यहाँ से लोकेशन भी बहुत अच्छा लगेगा, ये दिखाते हैं, ये देखो यहाँ से लोकेशन बहुत ही खतरनाक है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे देखिए बोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है, वहाँ से अभी हम लोग कुछ देर बाद जाएंगे और बोटिंग हम लोग भी करेंगे। तो यहाँ पे जब तक फोटो शूट करें